not really. I don't think it's my. That's how we get there until they become. Actually, I get into it. Oh, hello! I'm so relieved that you are here. I thought that you would be late. Good to see you. जी आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या मैं तारुफ कराऊं? नहीं हम अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को. ये यहाँ पे किस लिए आए? आप दोनों का इंटरव्यू है. क्या मतलब? मुझे तो बताया गया था सिर्फ मेरा इंटरव्यू है. देखिए वो आप दोनों एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस के बेटे हैं. आप लोगों के फादर्स जो हैं वो राइवल ग्रुप्स में हैं, पार्टीज में हैं. तो हमने सोचा कि अगर आप दोनों को बुलाया जाए यहाँ पे तो आप लोगों का शो जो है आमने सामने बैठ के कितना इंटरेस्टिंग. देखिए 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 मेरे इंटरव्यू का मतलब है सिर्फ मेरा इंटरव्यू और मेरा ही इंटरव्यू होना चाहिए था. मेरे पास फजूल वक्त नहीं है इन स्टूपिड प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए. एक काम करें इसी का इंटरव्यू कर लें. आशिर 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 मिश्रा शायना क्या हुआ? You know, I could have never expected this of him. I mean, ये अपने आप को समझता क्या है? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि इसको बता दो कि फॉर्मेट क्या है. तो इस बार बर्थडे पे क्या लोगे मुझसे? ये सवाल लड़के पूछते हैं लड़कियों से, लड़कियां नहीं पूछती. मुझे तो हर बार पूछना पड़ता है क्योंकि जब भी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देती हूँ तुम्हें महंगा लगता है. और सस्ती चीजों का स्टॉक तो ऑलरेडी है मेरे पास. अच्छा बताओ ना क्या लोगे इस बार बर्थडे पे? कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे. और अगर कुछ नहीं भी देना चाहती तो कोई बात नहीं. आंटी से तो हमेशा फरमाइश कर करके मांगते हो और जब मैं पूछूं तो ऐसी बोल देते हो. सोफिया वो माँ है मेरी. तो वो भी तो मुझसे पूछती रहती है कि क्या दूं क्या दूं. छेड़ती है मुझे बस. तुम्हें पता है मुझसे हर वक्त पूछती रहती हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ. माँ कोई सस्ती चीज बताओ. अच्छा मेरी बर्थडे आती है ना तो कोई मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी करके कोई बड़ा सा तोहफा दे देती है. तो इस बार मुझसे भी कोई ऐसी फरमाइश कर लो. नहीं तुमसे नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जो रिलेशन मेरा और अम्मी का है और जो रिलेशन मेरा और तुम्हारा है उसमें बहुत फर्क है. क्या फर्क है मोहित? वो और मैं तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी हम दोनों से प्यार करते हो. हाँ वो तो है पर इसके बावजूद माँ की मोहब्बत की कोई और बात है. क्या बात हो मुझे बताओ. पता नहीं पर बचपन से सुनता है मम्मी से. पूछ के बताऊंगा तुम्हें. You know, I must say कि मैं expect भी नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा इंटरव्यू होगा. आप इतने खुल के हर कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. आई एम अ पॉलिटिशियन एंड कल को हमें अपने बड़ों की जगह भी लेनी है एंड हमारे बड़ों ने हमें बर्दाश्त करना सिखाया है. जी नाजरीन और इसी के साथ हम अपने शो के अख्तिताम पे पहुंचे हैं. उम्मीद है आपने ये शो उतना ही इंजॉय किया है जितना मैंने. कल आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और नए मेहमान से. कुछ खरी बातें होंगी कुछ सच्ची बातें होंगी लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. टेक केयर खुदा हाफिज. इस शो में होना चाहिए था तुझे. बाबा मुझे ना उस शख्स के साथ बैठना पसंद नहीं है. मैंने पूरे शहर को बता दिया था कि तू इस शो में जा रहा है. अब लोग मुझे फोन कर रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शो में क्यों नजर नहीं आ रहा. बेटा जाना चाहिए तुझे इस शो में. बोला क्यों नहीं तूने मुझे? मुझे तो ये लड़की एक आंख नहीं भाती. इतनी तेज तरार लड़की अल्लाह की पना. पता नहीं कैसे चटर पटर मर्दों के साथ लगी रहती है. मरियम खामोश रहो तुम. बेटा ये सियासत जो होती है ना बहुत मुश्किल काम होता है. ये छोटी मोटी चीजों को ना नजरअंदाज करना चाहिए. जाना चाहिए था तुझे. बाबा छोटी मोटी बात नहीं है. मुझे जब इन लोगों ने इनवाइट किया था तो सिर्फ मेरा शो था. मैं वहां जाता हूं इनकी इनविटेशन पे और सामने मेरे दुश्मन को बिठाया हुआ है. ऐसा नहीं कर सकता मैं. मीडिया के लोग ऐसे ही होते हैं. इनको कमी कमीन की तरह ट्रीट किया कर तू. अब हमें कमी कमीन लोगों से बातचीत करनी पड़ती है ना. जरूरत है ना हमको उनकी. समझा कर ना बच्चा. क्या हुआ सोफिया का? क्या हुआ? क्या फाइनल बात हुई? वो मेरे ख्याल से सईद ही ठीक रहेगा. उसके सर डाला तो बात लटकती रह जाएगी. अच्छा तो ठीक है ऐसा करो ना अभी छुट्टियां आ रही है ना इस पे उसको बुलाओ. बात खत्म करते. बात सुन आशिर.
मेकअप 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 का इशू आ रहा है। वार्डरोब भी इतना खास नहीं था वैसे, सो दो तीन डिजाइन से फॉर बेटर वार्डरोब एंड स्टफ। ठीक है, और लाइव कॉल्स हमने किस तरह लेनी है ये भी जरा हमें एहतियात बरतनी होगी। कि क्या हुआ है? फोन नहीं उठा रहा। शायना क्या हुआ है? फोन नहीं उठा रहा। वह क्या है? हेलो हेलो सेठ रईस साहब, मैं शायना बात कर रही हूँ। कैसी है आप? कैसे मिजाज है? मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं है सर, और मैं आपको इसी सिलसिले में फोन कर रही हूँ। खैरियत क्या हुआ आपको? आपका बेटा मुसलसल 3 दिन से मुझे धमकियों वाले मैसेजेस भेज रहा है। आई कांट टेक इट एनीमोर। इट्स बेटर कि आप उससे बात करें, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। मुझे तो लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आप लोगों की तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये धमकियां में इस मैसेजेस क्यों भेजेगा वो आपको? मेरी और आशर की कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी, मैं सिर्फ समझती थी कि वो एक अच्छा लड़का है, और वो भी गलत साबित हुआ। अब आप प्लीज उससे पूछें कि उसको मुझसे मसला क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगा उससे, बल्कि शाइना बीबी बेहतर तो यही होता कि आप उसको फोन करती, आप उससे खुद पूछ लेती। वो तो मैं तब पूछती ना जब वो मेरी कॉल रिसीव करता। उसकी कोई मजाल है कि वो मुझे ऐसे मैसेजेस भेजे फिर आगे से मेरी कॉल भी रिसीव ना करे? मैं तो ये समझता हूँ कि आप दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वैसे मैं आशीष से जरूर बात करूंगा, आपकी गलतफहमी दूर कर दूंगा मैं। बल्कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि कल रात का खाना आप हमारे साथ खाएं? दीना ये मैं आपको सोच के बताऊंगी सेठ साहब, आप प्लीज पहले अपने बेटे से बात कीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। आशीर्वाद।